यहाँ पधारे हुए दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के बाहर से भी आए हुए हैं, तो मुजफ्फरनगर से मेरे रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं, वो अभी मिले थे मुझे, अनेकों शहरों से आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले, जब भजन चल रहे थे महाराज जी, जब भजन चल रहे थे बहनें नृत्य कर रही थी, लेकिन कोई पुरुष नृत्य करने के लिए उठा नहीं, वो आनंद ले रही थी। पुरुष जब तो मैंने देखा है नाचते हुए नृत्य करते हुए, मेरे यार की शादी है, घोड़ी के आगे तो नृत्य कर लेते हैं, लेकिन सत्संग में क्यों नहीं नृत्य करते हैं? बहनों ने ही ठेका उठा रखा है क्या? हमको इस आनंद में सम्मिलित होना चाहिए, ये परम आनंद है। ये किसी भजन पर नृत्य करना, वो भगवान को सीधे समर्पित होता है, सीधा समर्पित होता है। महाराज श्री जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मैं तो महाराज जी इतना कहूँगा कि जितना आपने कहा है उतनी और मुझे प्रेरणा मिली है कि अपने आप को बांध कर चलूँ, अपने आप को और ज़्यादा संयम में लेकर चलूँ, जो कुछ आपने कहा उसकी कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। आज का ये भावपूर्ण कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्यक्रम है, मुझे बहुत जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, सात्विक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। जैन समाज, जैन धर्म, मैं इसको केवल धर्म नहीं मानता, मैं सनातनी हूँ, ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं बाल्यकाल में मेरे घर के साथ ही सफ़ेदों मंडी में स्थानक होता था, वहाँ साध्वियाँ ले जाती थी और जो भिक्षा लेकर के आती थी वो मैंने भोजन अपने बचपन में पाया और 10-12 साल की आयु तक पाया, शायद उसी का असर है। जीवन में धार्मिक कार्यों की और रुचि रही है ये मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी। जैन समाज मेरे लिए, जैन धर्म मेरे लिए एक सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर सात्विक जीवन जीने का और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, जड़ चेतन दोनों प्रकार के जीवों के चिंतन का एक प्राकृतिक मार्ग है, केवल धर्म नहीं है। और विश्व में एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए आज मानव जो है वो त्रस्त है कि मैं कैसे, आर्थिक युग में बहुत आगे बढ़ गए लेकिन आध्यात्मिक युग में हम कैसे आगे बढ़ें। ये मानव को एक मार्ग दिखाने वाला रास्ता है, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, उसका एक रास्ता है। पहले कभी दो ही प्रकार के भोजन होते थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब जैन धर्म में किसी होटल में जाएं या एरोप्लेन में जाएं, वेजिटेरियन लिखवाया और उसमें आलू की सब्जी आ गई तो हमको जैन फूड लिखवाना पड़ता है। अब ये तीसरा, ये जैन धर्म की देन है। मैं प्याज और वो नहीं खाता, वेजिटेरियन फूड जब बेटे के पास पहली बार गया तो उसमें प्याज आ गया, मैंने कहा मैंने तो वेजिटेरियन लिखवाए थे, एयर होस्टेस ने कहा आपको जैन फूड लिखवाना चाहिए था। ये प्रकृति की देन है, किसी ढंग से स्वस्थ रह करके हम अपना जीवन यापन कर सकते। ये क्षेत्र सूरजमल विहार का क्षेत्र, ऋषभ विहार का क्षेत्र, अतिशोक्ति नहीं होगी मैं ये कहूँ, ये क्षेत्र भी शिखर जी बन गया है। निरंतर यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते, शिखर जी पर जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया गया,
यहाँ आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल भी हुई, मोमबत्तियाँ भी जली, लेकिन एक स्पीकर के नाते मैंने संदेश भेजा था राहुल जी के साथ, लेकिन एक स्पीकर के नाते मेरा कुछ प्रोटोकॉल रहता है, मैं इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं हो सका। मैंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन ये अतिक्रमण करना, इस ढंग से नियम बनाना बहुत बड़ा अपराध है, पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध है। भले हम देखने में आंकड़ों के हिसाब से कम लगते होंगे संख्या में, लेकिन जिस दिन आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा, जिसमें आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान था, तब सरकार कहीं ना कहीं हिली और बातचीत पर आई। अभी हल नहीं हुई है समस्या, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी और आंदोलन करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत लोग बीच में आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, मैं कटु शब्द लगे, राजनीति के चाटुकार बहुत आएंगे समझाने के लिए, बहुत आएंगे इस आंदोलन को तेजी देने के लिए। उन राजनीति के चाटुकारों से आंदोलन को बचाना पड़ेगा, भले किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, लेकिन आंदोलन की सीमाएं संतों के आचार्यों के चरणों में बैठकर हमको तय करनी पड़ी और आंदोलन को तेज करना होगा, ताकि कोई आने वाले समय में इस ढंग से धार्मिक भावनाओं पर अत्याचार ना कर सके, ठेस ना पहुंचा सके। जैन धर्म ने कभी भी किसी को आहत नहीं किया, हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के अनुयायी हैं, जैन धर्म के अनुयायियों ने कभी किसी को आहत नहीं किया, ये इतिहास गवाह है। लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, ये बहुत गलत है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, मैं अपनी ओर से भी निंदा करता हूँ, दिल्ली विधानसभा की ओर से भी निंदा करता हूँ। दिल्ली विधानसभा में महाराज श्री जी के चरणों में आचार्य जी के, तीन बार हम भगवान महावीर जी की जयंती मना चुके हैं, अनेक लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं, अनिल जी तो विशेष रूप से समाज के लोगों को आते रहते हैं। दो बार हमें अक्षमावाणी पर्व मनाने का विधानसभा के प्रांगण में अवसर मिला, और दो बार हमें तेरहपंथी, अपने जैन समाज का अंग है, उनके भी कार्यक्रम करने का, जन्म शताब्दी आचार्य महाप्रज्ञ जी की, और एक और कार्यक्रम करने का अवसर मिला था। दिल्ली की विधानसभा में सभी धर्मों के अनुयायियों के कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। अब ये लगता नहीं कि दिल्ली विधानसभा कोई राजनीति का एक अंग है, और वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, माँ होली भी बनती है, माँ रामायण रामलीला भी इस बार कोरोना काल में हम लोगों ने की है, तो इस ढंग का विधानसभा को एक रूप दिया गया है। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से आए। केजरीवाल जी को आज आना था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, इसको राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा, आज जो है दिल्ली के सभी टीचरों का सम्मेलन है, वो 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा। वो सम्मेलन इसलिए है, परसों ये आनंद फानंद में बुलाया गया, एलजी ने जो टिप्पणी की उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल निरंतर गिर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी एलजी द्वारा अशोभनीय थी, इसलिए टीचरों को वहाँ बुलाया गया, और मैं इसके लिए आज माफ़ी चाहता हूँ, फिर कभी किसी अवसर पर वो आएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे जो एक बात कही है वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा,
तो अन्याय होगा मेरे लिए। मैंने कहा रामनिवास जी मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एक बात कह देना, मेरा नाम लेके कह देना कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी 8 महीने से निरंतर जेल में बंद है और वो उन्होंने 8 महीने से अन्न नहीं खाया है, अन्न को त्यागा हुआ है, केवल फलाहार पे रहते हैं। पूरा जैन धर्म का पालन कर रहे हैं और उनके उस फलाहार को कि वो 5 स्टार आनंद ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, जिस ढंग से वीडियो बना करके पूरे भारत में प्रचारित किया गया चुनाव के दौरान, अब कोई वीडियो नहीं आ रहा, अब भी वो फल ले रहे हैं। सब कुछ बंद हो गया। एक वो चंद्रशेखर जो जेल में बंद है, 200 करोड़ रुपया जैन साहब को दिया, ये किया वो किया, जिस ढंग से उससे बयान दिलवाएगा वो भी बयान बंद है। मेरी प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं इस विषय को भी हमें समझना चाहिए, किसी और धर्म के व्यक्ति को नजायज बंद किया गया होता तो आंदोलन खड़ा हो गया। 40 मिनट बचा है, मंत्री ज्यादा ले रहे टाइम। मेरे आप में आंदोलन के लिए आग्रह नहीं कर रहा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। मुझे आज बुलाया गया, मैं अपने घर पर वैसे तो तरुण सागर महाराज जी का आहार भी कर चुका हूँ, सैकड़ों लोग आए थे। मुझे नाम ध्यान से उतर रहा है, ज्ञान सागर जी का तो खैर मैं बहुत ही नहीं, अभी आए थे पीछे, और हाँ जिनको विधानसभा में विश्राम किया, प्रज्ञा सागर जी महाराज श्री जी का आगमन हुआ, विधानसभा में आगमन हुआ, कार्यक्रम में देर हो गई तो बड़ी संख्या में लोग आए थे, बहुत बड़ी संख्या में, कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया। तो अब तक तो विधानसभा का बाहर का प्रांगण ही पवित्र होता था, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि रात्रि को चलना नहीं होता है, मेरी व्यवस्था यहीं सोने की जाए, तो विधानसभा में ही उन्होंने विश्राम किया, रात्रि बिताई, विधानसभा का भवन भी पवित्र हो गया। अब तक तो केवल बाहर का ही ग्राउंड पवित्र होता था, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर भी था, बहुत अच्छा अवसर भी था। मैं पुनः एक बार सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और महाराज श्री जी के आचार्य जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। उनका 9वां आज का ये पदारोहण था, आचार्य पदारोहण, और उस अवसर पर ये जो कार्यक्रम अनिल जी ने मुझे अनेकों तिथियों पर जो महाराज जी ने कार्यक्रम किए हैं, आपका सानिध्य रहा, आशीर्वाद मिला, लिख के दिए थे। अंत में मैं इनको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, महाराज जी की आज्ञा हो तो। 2012 में श्री महावीर जी चश्मा देना, जरा मैं लाया नहीं, भूल गया। अतिशय क्षेत्र मूल प्राचीन मंदिर का 350 वर्ष बाद शिखर पर स्वर्णमयी कलश ध्वजारोहण के प्रमुख सानिध्य में महाराज श्री जी के हुआ। 2016 108 ऋषभ देव स्वामी जी की मूर्ति के पंच कल्याणक में मुख्य सानिध्य सूर्य क्षेत्र प्रदाता। 2001 में अहमदाबाद उस्मानपुरा मंदिर के गजरथ नगर का भ्रमण। 2012 गजरथ नगर भ्रमण केकड़ी राजस्थान। 2003 गजरथ नगर भवन अलवर राजस्थान। 2019 भगवान श्री अजीतनाथ पंचकल्याणक की में प्रमुख 31 फुट ऊंची मूर्ति श्री समेत शिखर जी। ऐसे अनेकों कार्यक्रमों में महाराज श्री जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, मैं बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ा अच्छा लगा उनके चरणों में बैठकर सुनने का अवसर मिला। जय जिनेंद्र।
मैं श्री राम निवास गोयल जी का पूरे दिल्ली जैन समाज की ओर से और कृष्ण नगर की ओर से विशेष तौर पे